सो हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक है। तो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में नई शाम के साथ। और दोस्तों, आज की ब्लॉगिंग स्टार्टिंग हो रही है इवनिंग के 6:30 बजे से। और दोस्तों, आज सुबह से कुछ बनाने के लिए नहीं था, तो अब मैं शाम को कुछ स्पेशल डिश बना रही हूँ। तो तब मैंने बोला चलो ब्लॉग शाम को बनाऊँगी। और आज बना रही हूँ मैं दोस्तों मिठाई कलाकंद। तो पहली बार फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो पता नहीं कैसे बनता है, तो देखते हैं कैसे बनता है। तो अब स्टार्ट कर रही हूँ मैं बनाना। तो दोस्तों, प्लीज़ मेरे ब्लॉग में से बने रहिए। और दोस्तों, प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ब्लॉग्स पे कमेंट करिएगा दोस्तों। तो चलो दोस्तों, अब बनाते हैं। तो प्लीज़ ब्लॉग में से बने रहिए, कहीं जाएगा मत दोस्तों। सो दोस्तों, मैंने दूध रख दिया बॉयल करने के लिए। 1.5 लीटर दूध है। अब ये बॉईल हो चुका है, मैंने पहले रख दिया था। अब इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे 1 कटोरी। सो दोस्तों, अब इसमें 1 कटोरी मिल्क पाउडर डालेंगे। और इसको घुलने तक ऐसे पकाएंगे, घुलने तक मिलाएंगे ऐसे ही। और दोस्तों, जब ये मिल्क पाउडर दूध में अच्छी तरह से घुल जाए, उसके बाद हम डालेंगे ये 250 ग्राम पनीर। और जब तक ये गाढ़ा पेस्ट ना हो जाए, तब तक इसको ऐसे मिलाते रहना है। सो दोस्तों, 10 से 15 मिनट तो लग ही जाएंगे इसको बनने में। जब तक ये गाढ़ा पेस्ट सा ना बन जाए, तब तक इसको पकाते रहना है। और देखते हैं दोस्तों, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो देखते कैसे बनता है दोस्तों। तो इसको चलाते रहना है। दोस्तों, ये आ गया, अभी आ रहे हैं। पहले बचपन में दूध का पॉट खाता था, पता है, पैसों में खरीद के 5-10 रुपए का दूध का पॉट खाता था। क्या कर रहे हैं? अरे तो खा ले, तो हमें नहीं, मेरे हाथ में इसको ऐसे चलाओ। बन गए? अरे कहाँ, खमीरा क्या है ये? कलाकंद। कलाकंद देखते हैं दोस्तों कैसे बनता है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। ठीक है, कैसे बनता है देखते हैं। आराम से ना गिराना, बोलते रहे से। अब तो हम राउंड मार के आता हूँ। अभी तो कहाँ से आ रहे, तो राउंड मार के आ रहा। वो तो भाई से मिलने गया था। अच्छा, क्या क्या डाला तूने इसमें? सबसे पहले मैंने डाला इसमें दूध, 1.5 लीटर दूध है ना, उसको उबाला। उसके बाद डाला इसमें 1 कटोरी मिल्क पाउडर। उसके बाद मिलाने के बाद डाला ये पनीर, डाला कितना था वो, 200 ग्राम या 250 ग्राम, उसको डाला। और थोड़ा मैंने किशमिश डाल दिए पहले, इसमें किशमिश डाल दिए। और तब उसको पका रही हूँ, जब तक ये गाढ़ा पेस्ट सना बन जाए, तब तक इसको चलाते रहना। और इलायची का पाउडर डालना था उसमें। इलायची बाद में डालेंगे ना, पाउडर। हाँ डालेंगे, पाउडर डाल दिया। हाँ अब डालेंगे, पाउडर बना दिया। पाउडर बना लेंगे, कब बनाएगी इलायची पाउडर? बनाना उसका, मिक्सी में बनाना, बन जाएगा मिक्सी में। क्या लगाता है पाउडर? इतना तो नहीं होगा मिक्सी में, ग्राइंड हो जाएगा, पता नहीं। देखते हैं। इतनी कटती है आवाज, नहीं होगा इसमें। देखो क्या करें इसको, रहने दे छोड़। मुझे लग रहा है उसका पाउडर ही आता है। ऐसे डालो ना, ना डाल देना छोड़। ऐसे डाल देना क्या? दे हाँ ऐसे डाल देना, तब क्या करना। वैसे पाउडर ऐसे डाल दे, अगले दिन देखेंगे फिर दोबारा। आज एक्सपेरिमेंट है ना, उसके बाद देखते हैं फिर
बनाएंगे बढ़िया वाला। अगर आज बढ़िया बनेगा तो ऐसे ही बनेगा, नहीं तो नया ट्राई करेंगे। ठीक है, ओके। सो दोस्तों अभी बनने वाला है, तो इसमें अब चीनी डाल देते हैं स्वाद अनुसार। सो दोस्तों ये बन गया हमारा। अब इसको थाली में रख के 2-3 घंटे तक ठंडा करेंगे। बन चुका है दोस्तों हमारा कलाकंद तैयार। सो दोस्तों मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया है, और अब इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। सो दोस्तों कलाकंद बनके रेडी है हमारा। अब चेक के बताएंगे थोड़ी देर में जब ठंडा हो जाएगा कि कैसे हो रहा है। सो दोस्तों मैं सासू जी को दिखाऊंगी कि कैसे लग रहा है। ये देखिए, टेस्ट करके बताएंगे कैसा। ठीक है, अभी इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे, टेस्ट करके बताएंगे। सो दोस्तों मैंने सबको टेस्ट कराया था, सबने बोला काफी अच्छा बनाया। तो गाइज आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।